दोस्तों, वो फास्टेस्ट साइट है और ये पांगिन साइट है। तो इस हाईवे का नाम है पांगिन फासगेत हाईवे एनी स्टार्टिंग। तो हम अभी सिरकी का रास्ता पे आ गए। हम अकेला आया है तो, लेकिन आने से आप लोग दोस्त लोग के साथ आइए। मैं रास्ता कैसा है हम भी मालूम नहीं है, फिर देखता है। थोड़ा सा ये पहाड़ है, प्लेन नहीं है, लेकिन जाके देखते हैं कैसे होता है। हम भी बदन मेरा बदन भी बहुत बढ़ गया, इसलिए बहुत जाने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये बहुत आप है। तो हम प्लेन पे ही रहता है, तो इसलिए उतने के लिए तो प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हो जाएगा, जाके देखते हैं। सिरकी वाटरफॉल का पानी है। अभी हम छोटा सिरकी में आ गया है, वो है छोटा सिरकी। और ये पानी पीने का टैंकी है, लेकिन हम तो ये जंगल से हम पैदल मरना पड़ेगा, यहाँ से भी और दूर है। वो नीचे वो से हम आया है, कुछ यहाँ पे स्टेप या ऐसे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन हम जंगल के अंदर से कुछ रास्ता बना के जाना पड़ेगा। जो हमको सिरकी का बारे में बताया था, वो ऐसे बताया था कि सिरकी जो है हाईवे से शायद 1 किलोमीटर डिस्टेंस में होगा बोल के बताया था, लेकिन हम अभी फील्ड विजिट में 2 किलोमीटर आगे में है, मतलब 2 किलोमीटर चल चुका है, लेकिन अभी तक हम सिरकी को नहीं मिला है। अभी देख सकते हैं ये तो छोटा मोटा है, या फिर शायद और भी जाना पड़ेगा लगता है। हम तो मेरा खेल से हाईवे से सिरकी आने के लिए कम से कम 3-4 किलोमीटर होता होगा, और आने का बोलने से 5 या 6 किलोमीटर शायद होता होगा। तो हम अकेला आया है और ये विंटर सीजन है, तो समर में तो हम नहीं आ सकेगा, क्योंकि इसमें बहुत मतलब लीच होता है, मतलब जूक होता है और पानी भी भरा होता है। दोस्तों, ये है सिरकी वाटरफॉल, देखिए अभी नज़दीक आ गया। तो आप भी आइए, लेकिन यहाँ पे आते हुए यहाँ का नेचुरल जो देवी और देवताओं को आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिए, जस्ट इसको आके देख के यहाँ से चला जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो आप से नहीं देख सकते वो लोग होता होगा शायद, फिर भी आप लोग इसे डिस्टर्ब मत कीजिए, यही देख के आप चला जाइए। तो वही हम भी आए हैं यहाँ पे देखने के लिए, मज़ा लेने के लिए, लेकिन हम कुछ भी काम नहीं करेगा यहाँ पे, कुछ भी काम नहीं करेगा, मेरा देवी देवताओं को पेरिस लोग हम कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा। उससे बात करके हम बहुत आनंद मिला, सेटिस्फाई हुआ, जो मैं पहले बताया था दिमाग का टेंशन जो उड़ गया, दिल का जो बीमार था वो उड़ गया। अभी तो हम रिफ्रेशमेंट हो गया, मेरा बॉडी जो है जो कंप्यूटर को रिफ्रेश मारता है ना, जो मोबाइल को आप लोग रिस्ट्रीम करते हैं, वैसे ही मेरा भी हो गया अभी। बहुत मज़ा, यही हेवन है। हम फिर रिपीटेडली बोल रहा है कि यही हेवन है, और ऐसे कोई तो मोड़के तो नहीं आता है, लेकिन यही हेवन है, क्योंकि वाह क्या हवा है, वाह और क्या नजारा है। कि गान को तो हम अभी छोड़ ही दिया, अभी हम लिटरेचर और ब्लॉगिंग में ही हम काम चल रहा है हम, क्योंकि ये मेरा एक हॉबी है, मेरा एक ये पैशन है, इससे हम बहुत आनंद मिलता है, बहुत सेटिस्फाई होता है। कि हम अभी ब्लॉगिंग और लिटरेचर में इंटरेस्ट है, और आप लोग हम बताया था मेरा किताब बहुत लिख चुका है, पब्लिश भी हो चुका है, लेकिन आप लोग को नाम नहीं बताएगा, लेकिन आप लोग मेरा जो लिंक में दिया वाला ईमेल्स आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, dingoliteracer@gmail.com से, और जैसे आप लोग ऑनलाइन में भी मिल सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट Amazon और जो बुक के होते हैं वो सब खरीद सकते हैं, पढ़ लीजिए, मतलब मेरा मन लिटरेचर में कितना आगे है, कितना मतलब वहाँ में हम मतलब एक्सपर्ट है। आप देख सकते हैं सिरकी का सीनरी ऐसे होता है, तो वहाँ पे भी हम गया है, पानी पिया है, पानी बहुत तेज है, इसमें कोई फिल्टर का ज़रूरी नहीं है, इसका कोई
फ्रिज का ज़रूरी नहीं है, पानी बहुत बहुत ही बेहतर है, जिसको हम लोग अमृत कह सकते हैं। अमृत जैसे है, ठंडा भी है, फ्रेश भी है और टेस्ट भी बहुत है। तो आप देखते हैं कि मेरे पीछे में रेनबो है। बचपन में हम लोग रेनबो को बहुत डरता था, क्योंकि ये एक भूत का निशान है बोल के। जब पानी जो है हवा में कंटाट करते समय, जब सन का लाइट जो इसमें पड़ने से वो रेनबो दिखाई देता है, और हम लोग का जगह में फिलहाल इसको तो इतना देखा नहीं देता है। इसको थोड़ा सा मतलब बारिश के समय में जब सूरज आता है, धूप आता है, तब तो हम दिखाई देता है। लेकिन यहाँ में आप 24 आवर्स देख सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर है। आप लोग को हम कैसे एक्सप्लेन करेगा, कैसे बताएगा कि इसका पानी का रंग देखो बहुत बढ़िया है। लेकिन ये जो है एक पहाड़ से गिरता है, मतलब क्लिफ रॉक पत्थर से। अगर आप भी वहाँ से यहाँ पर गिरेगे तो आप बीच में लटक जाएगा, क्योंकि जहाँ पे यहाँ पे आएंगे तो आप कोई नाम निशान नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, आप प्रसूत लेके आ सकते हैं। लेकिन देखिए बाप रे बाप, इतना ऊपर से आया है, देखो बाप रे बाप। देखने से बहुत नज़दीक देखता है, छोटा देखता है, लेकिन ये बहुत लंबा है। मेरे ख्याल से ये 500 मीटर्स से यहाँ पे गिर रहा होगा। तो लास्ट आप लोग को हम सीनरी दिखाएगा चारों ओर तरफ, देख लीजिए बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों हम फाइनली अभी पासियत रिटर्न होने के लिए रेडी हो गया। आप लोग भी आइए। जो हमको बताया था कि जो हमसे यहाँ पे पहले आया था, वो जो बताया था कि ये रास्ता से शायद 1 किलोमीटर ऊपर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये बहुत ही दूर है, रास्ता से 3 किलोमीटर है। तो जब हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में था, मेरा दोस्त के साथ हम यहाँ पे आने वाला था, लेकिन वहाँ पे आ नहीं पाया है। वो यहाँ से भी निश्चल में एक सिरकी वन है, ये सिरकी टू है, मतलब ये ओरिजिनल है, वो मतलब नकली तो नहीं है, मतलब छोट वहाँ पे ही हम आया था। लेकिन अभी यहाँ पे पानी ले आ गया आपका 2 साल का बाद, लेकिन हमको बहुत सेटिस्फाई हुआ है। शायद बाद में भी समय मिलने से फिर आएगा मेरा मेंटल को रिफ्रेश करने के लिए। तो आप लोग मेरा साथ बने रहिए और मेरा ब्लॉग को देखते रहिए, आनंद लेते रहिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेरे न्यू ब्लॉग को आप लोग नोटिफिकेशन मिल सके। तो तब तक के लिए आप लोग आश्वस्त बैठिए और हमें एनकरेज कीजिए, मोटिवेशन कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए हाँ।